शहीद पीर अली के शहादत दिवस के अवसर पर शहीद पीर अली पार्क गांधी मैदान के पास आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद पीर अली की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कई और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। जेडीयू के एक नेता ने कहा कि राष्ट्र को सशक्त करने और नए भारत का जो सपना वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, उसे आज बिहार में नीतीश कुमार साकार कर रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं दी। कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सूरत कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसे लेकर पटना में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश ऑफिस सदाकत आश्रम में शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी की रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही, कुछ दिन और अगर बीजेपी रहे तो देश में तानाशाही लागू हो जाएगी। आगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसमें कौन खास बात है? बिल्कुल खास बात की बात कर रही है बीजेपी देश। अरे तो इस लोकतंत्र बीजेपी कहाँ देख रही है? लोकतंत्र तो बीजेपी खत्म कर रही है। बीजेपी अगर रहेगा कुछ दिन तो इस देश में तानाशाही लागू हो जाएगा। शिक्षा मंत्री को लेकर जो बवाल चल रहा था वो खत्म हो जाएगा? ये सब सरकार का काम है और सरकार का काम सरकार करती है, पार्टी का काम नहीं है। लालू प्रसाद यादव के बयान पर बीजेपी नेता तारा किशोर प्रसाद यादव ने तंज कसा। तारा किशोर प्रसाद यादव ने कहा लालू यादव ना नीतीश कुमार को पीएम बनने देना चाहते हैं और ना ही राहुल गांधी को, वो सिर्फ अपने परिवार को सीएम और पीएम बनते देखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा नीतीश कुमार की स्थिति महागठबंधन में जाने के बाद बिगड़ गयी। लालू प्रसाद जी न मुख्यमंत्री बनने देना चाहते हैं, न प्रधानमंत्री के संभावित उम्मीदवार के रूप में उन्हें रखना चाहते हैं। श्री नीतीश कुमार जी की स्थिति धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथ जाने के बाद बिहार की राजनीति से लगभग वो अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के राज्य में जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की, जिसके बाद निर्णय सुरक्षित रखा गया। इस मामले में दायर याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की बेंच ने लगातार 5 दिनों की सुनवाई की थी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और आईएएस के पाठक के बीच विवाद को लेकर आरजेडी कार्यालय में शुक्रवार को बैठक हुई, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि मीडिया ने जो मंसूबा पाल रखा उस मंसूबे में मीडिया कभी भी कामयाब नहीं होगी। शिक्षा नीति को लेकर हुई इस बैठक शिक्षा मंत्री सहित कई आरजेडी नेता भी शामिल हुए। शिक्षा नीति के अच्छे बुरे क्या पक्ष होंगे उस चर्चा में शामिल होने के लिए आए और राष्ट्रीय जनता दल और सरकार किसी भी स्थिति में किसी भी शिक्षा के बाजारीकरण व्यवसायीकरण से अपने आप को अलग करेगी, इसलिए शिक्षा नीति पर चर्चा आज हुई है, आगे भी जारी रहेगी और अच्छा बुरा पक्ष समझ करके निर्णय लिया जाएगा। नहीं, लेकिन जो जिस तरीके से के पाठक के द्वारा जो किया जा रहा है, क्या आप लोग उसके खिलाफ है? मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई थी आपकी, आप लोग अभी शिक्षा नीति समझने आए जहां हम चर्चा में आए थे कि आप दूसरे टीम लगे? मोटे तौर पर आप समझिए, आप लोगों का मंसूबा कामयाब होने वाला नहीं है। जो लोग ये मंसूबा पाल रहे हैं उसमें आप लोग सफल होने वाले नहीं। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक पर बिहार सरकार में मंत्री संजय झा ने कहा पहली बैठक सफल रही। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक 17 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली, जितने लोग पटना में मौजूद वो लोग वहाँ भी मौजूद रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा आने वाले समय में हम लोगों का क्या एजेंडा होगा ये पता चल जाएगा। रोहतास के अग्रेर खुर्द गांव से एक मामला सामने आया जहां एक कच्चे मकान से 50 से ज्यादा जहरीले सांप मिले। सांपों की संख्या इतनी थी कि जिले के तीनों अनुमंडल के वन विभाग की रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू करने के लिए बुलाया गया था। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने कहा
कि उनके आने से पहले करीब 25 सांपों को लोगों ने मार दिए, हमने 35 सांपों को पकड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र सरकार से योजना समय पर पैसा नहीं मिलता, इससे योजना के लाभुकों में निराशा होती, इसके समाधान की जरूरत। साथ ही उन्होंने कहा, योजना समय से पूरी हो और बिचौलियों के चंगुल में ना फंसे, इसके लिए उन्हें भी अकाउंटेबल बनाया जाएगा।